क्लास 12 रिजल्ट आने के बाद सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स को यह बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आपका टारगेट है आपको पता होना चाहिए इनकेस आप 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो क्लास 12 के अंदर, सीयूटी में भले ही वो आप डोमेन दे आओ, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी वो मेरिट कैलकुलेट नहीं करने वाली, वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं करेगी जिसमें आप क्लास 12 में फेल हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कंपार्टमेंट एग्जाम दे आना। देखो ये पॉलिसी है, FAQs बोलते हैं इनको, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी हुई है। वो ये बोल रहे हैं इन केस एन एप्लीकेंट हैज फेल्ड इन 1, 2, or 3 सब्जेक्ट्स इन क्लास 12, उसकी सीयूईटी मेरिट उन सब्जेक्ट से कैलकुलेट करी जाएगी जिसमें वो पास है। सीयूईटी मेरिट विल नॉट इंक्लूड दो सब्जेक्ट्स इन व्हिच ही और शी हैज फेल्ड। तो कंपार्टमेंट जरूर देना, भले ही आप फेल हो क्लास 12 में किसी सब्जेक्ट में और सीयूईटी में आप चाहे 100% ले उसमें, दिल्ली यूनिवर्सिटी उसकी मेरिट कैलकुलेट नहीं करेगी। डीयू बोलती है यार आप उन्हीं सब्जेक्ट में सीयूईटी देके आओ जिसमें आप पास हो क्लास 12 में। इंपॉर्टेंट अपडेट है, अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर देना, कमेंट करके बताओ कैसा स्कोर आया, सीयूईटी की तैयारी कैसी चल रही है, जल्दी बताओ।